चलो आप स्टार्ट ही इतों करते हैं। एक चुप सौ सुख लेख तो। एक चुप सौ सुख पंजाबी का एक प्रसिद्ध अखाण है। मैं पूरा लेख पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बेटे तुम्हें समझा देनी हाँ। ये पंजाबी का प्रसिद्ध अखाण है जिसका भाव है कि चुप रहन दे अनगिनत सुख हैं, बहुत सारे लाभ हैं। पंजाबी दे इस अखाण तो ये गल स्पष्ट हो जाती है कि हमेशा जिन्नी लोड़ होवे उन्ना बोलो, फालतू ना बोलो। इसका मतलब ये नहीं है, चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि तुसी अपनी जुबान को ताला ला के रखो, मीन्स बिल्कुल भी ना बोलो। इसका भाव ये है कि जो बोलो थोड़ा बोलो, सोच समझ के बोलो, लोड़ अनुसार बोलो, और थोड़े बोले हुए शब्दों के विच मिठास ते निम्रता होनी चाहिए है। थोड़े बोल ना बोलो, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन पैरा। इंट्रोडक्शन पैरे दे विच एवली कोटेशन लिख लो, जहाँ लिखो जिन्नी लोड़ हुए उन्ना बोलो, पहला तो लो फिर बोलो। ठीक है, ये स्टार्टिंग की कोटेशन हो गई। उस तो बाद तुसी हैडिंग देना है बहुता बोलन दे नुकसान। उदे विच ऐ देना है, पहले ए वाली कोटेशन दियो, बोलत बोलत बड़े बिकारा। जिहड़ा ज्यादा बोलना है वह साडे लई भी नुकसान का कारण है, दूसरों लई भी नुकसान का कारण है। यह लड़ाई झगड़े का कारण बनता है ज्यादा बोलना, क्योंकि जदों कोई इंसान बोलता है ना वो कोई बहुता वधिया नहीं बोलता। जदों कोई फालतू बोलता है वह तो निरी सिर खपाई करने वाली गल है। फिर जो कोई इंसान एवं बड़बड़ करता रहे, चरचर करता रहे, उन्होंने कोई पसंद ही नहीं करेगा। ठीक है ना, हर कोई वो तो दूर रहने का ही यतन करेगा। फिर नतीजा की निकलेगा, माड़ा नतीजा निकलेगा। जो कोई ज्यादा इंसान बोलता है तो दूजे की गल दूजे की गल नज़रअंदाज करके दूजे की गल बार बार विचों कट्टना, एवं हर गल च दखल अंदाजी करनी, तो गल कितने खत्म होएगी फिर बेटे? लड़ाई झगड़े से गल खत्म होती है। ये ज्यादा बोलन के नुकसान हो जाते हैं। ठीक है बेटे, नैक्सट लिखो, नैक्सट पॉइंट। ए हैडिंग कि देना, ज्यादा बोलन के नुकसान। अगला हैडिंग दो, बहुता बोलना मूर्खता है। बहुता बोलना मूर्खता है, जे व्यक्ति को नज़रअंदाज करना चाहिए है, क्योंकि जड़ा ज्यादा बोलता है वह ऊट पटांग ही बोली जाता है। उदियां गल्लां दा कोई सिर पैर नहीं हुंदा, सिर पैर नहीं हुंदा। वह निरा झूठ बोलता है, वह गप बाजां दी कैटागरी विच आंदा। उहदे लई तां आया खाण भी वरत्या जांदा, वेला मन शैतान दा घर। वह कोई सियाणप वालियां गल्लां नहीं करता। जदों कोई इंसान किसी उलझन विच फसिया होवे तां बहुता बोलण वाले तों तां उह उन्हूं तो नज़रअंदाज करके जाएगा कि यह मेरिया समस्यावां दा हल नहीं दस सकता, ये तो मैनूं सुगो होर उलझाएगा इधर उधर दियां गल्लां करके। तो अजे व्यक्ति नूं लोग मूर्ख समझण लग जाणगे। फिर इत्थे कोटेशन आनी है, संतन सिओ बोले उपकारी, मूर्ख सिओ बोले चखमारी, मूर्ख नालों चुप चंगेरी। ठीक है, इत्थे इह कोटेशन आनी है। अगला पॉइंट है कि मूर्ख व्यक्ति नाल कदी वाद विवाद ना करो, बहस ना करो। ये सियाणियां दा कथन है, विद्वानां दा कथन है कि जदों कोई तुहाडे जिंदगी दी शाह राह ते चलदियां किसी मूर्ख व्यक्ति दे नाल तुहाडा वाह पै जांदा है तां उह व्यक्ति तुहाडे अपने मैं विच आ के, क्योंकि जदों कोई इंसान ज्यादा बोलदा ना उहदे विच मैं भी है कि मैं सही हाँ बाकी सारे गलत है, उसदी होमे उसनूं ज्यादा बुलाउंदी है। उह होमे विच आया, पता नहीं दूजियां दे जिहड़े गुण ने उन्हां नूं नज़रअंदाज करके उन्हां नूं गलत साबित करन दी कोशिश करता है। वो क्योंकि सोच समझ के तां बोलदा ही नहीं है। जे सोच समझ के बोलदा होए तां उसनूं पता होए कि जिहड़ा इंसान सामने आ वो एक एक अजिहा इंसान है जिसके अंदर बहुत सारे गुण ने, जिहड़ा कि दुनिया नूं सही रस्ते ते लिजांदा है, ते उस दीआं गल्लां विच कोई तर्क है, पर वो कहिंदा कि नहीं मैं ही सही हाँ। इस करके चंगी गल इह है के मूर्खां दे नाल कदी वाद विवाद ना करो, मूर्ख नालों चंगेरी चुप। संत मिले कुछ सुनिए कहिए, मिले सत स्पष्ट हो रही है। अगला पॉइंट, भले पुरशां दी संगत करो हमेशा, चंगे गुण ग्रहण कर ली। ये वाला पॉइंट है ना जिहड़ा, भले पुरशां दी संगत, ये मन जिथे जतीच भी आना
मिठन नीवी नानका गुंज गई है तच भी आना, नानक दुखिया सब संसार च भी आना, क्योंकि भले पुरशां की संगत करांगे दुख दुखी नहीं जापणगे सानू। ठीक है, ये एक चुप सौ सुख च भी आना है कि गुरबाणी कहती है कि हमेशा जो संगत करनी है भले पुरशां की करनी है, महापुरशां की करनी है, चंगे लोगों की करनी है, क्योंकि चंगे लोगों की संगत सानू चंगे रस्ते वल प्रेरेगी, कुराए रस्ते तो परे करेगी। कुराहा रस्ता की हुंदा, भैड़े रस्ते तो बुरियां आदतों तो सानू छुटकारा दवाएगी। क्योंकि जदों असी आपां गुरुद्वारे भी जाने हाँ, मंदिर जाने हाँ, किसी भी धार्मिक समागम में जाने हाँ, तो संगत क्यों करते हाँ? चंगे विचारां नू ग्रहण करन लई। ठीक है, चंगे विचार है जिहड़े साडे मन दे विच शुद्धता लियांदे ने, साडे विचारां दे विच उसारू सोच पैदा करते हैं। चंगे पुरखां दी संगत, भले पुरशां दी संगत जड़ी है वह परमात्मा दे समान है। वह सारू सोच पैदा करती है, उन्हां नाल विचार वटांदरा करके असी अपनियां परेशानियां, अपने दुखां तो, अपनियां उलझणां तो छुटकारा पा लैंदे हाँ, क्योंकि उन्हां दीआं सियाणियां ते उपयोगी गल्लां तो असी फायदा लै सकते हाँ। इत्थे कड़ी कुछ कोटेशन लिखोगे, कड़ी कोटेशन लिखोगे? संत मिले कुछ सुनिए कहिए, मिले सत मस्ट हो रही है। संत मिले मीन्स भले पुरश जदों मिलन कुछ कहिए सुनिए, विचार वटांदरा करिए। ते जे सानू आ मूर्खा नाल वाद विवाद पै जावे, मूर्खा नाल वाह पै जाए तो चुप हो रही है। नैक्सट है, पहला तोलो फिर बोलो। अगला पॉइंट है जिहड़ा लास्ट है, 5 नंबर का लेख आना है, ज़्यादा डिटेल च नहीं जाना है, 100 to 150 शब्द काफ़ी ने। पॉइंट्स लिखो, उन्होंने 3-3, 4-4 लाइना विच एक्सप्लेन करना है। पहला तो लो फिर बोलो, ये भी कहावत है, प्रसिद्ध है कि जदों भी तुहानू किते बोलना पए पहला सोच समझ के बोलो, क्योंकि सोच समझ के जदों कोई इंसान बोलता है तो उस दीआं गल्लां दूसरिआं दे लई ते अपने लई उपयोगी साबित हुंदीआं हन। ये भी तजर्बे की गल है, ये वैसे भी तजर्बे की गल है कि ज़्यादा बोलन वाला घट सोच समझ के ही बोलता, तो जिहड़ा सियाणा है वह सोच समझ के बोलता, क्योंकि साढ़े कहे हुए शब्द किसी नूं ठेस ना पहुँचाण। तलवार का फट तो चले जाता है, जुबान का फट नहीं जाता। इत्थे ये भी कोटेशन लिखनी है, तलवार का फट चले जाता है, जुबान का फट नहीं जाता। जुबान के जिहड़े जख्म ने वह अंदर जख्म कर देंदे ने, अंदर छाननी हिरदा छाननी छाननी करके रख देंदे ने। यो न ठाए कही दा मानक सब अमोलवे, यह भी कोटेशन लिख सकते हो। ये मिठत नीवी नानका गुंज गई तच भी आनी है, कभी किसी का हिरदा ना दुखाओ, क्योंकि सब दे हिरदे मानक मोती हैं, क्योंकि हर एक दे अंदर परमात्मा का वास है, सारे परमात्मा की जोत तो पैदा हुए हैं। इत्थे वो भी कोटेशन आए, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, इस करके किसी मंदा क्यों बोलीए, सारे एको नूर तो पैदा हुए ने। यह कोटेशन मिठत नीवी नानका च भी आनी है। ठीक है, ये जड़िया मिठत नीवी नानका गुंज गई तत् लेख है, तो एक चुप सौ सुख है, इन्हों दया कोटेशन सेम बनदिया ने, जिमें नानक फिक्का बोलीए तन मन फिक्का होए। जो कोई इंसान बोलता है फिक्का बोलता है, कौड़ा बोलता है, तो तन मन फिक्का हो जाता है, दही रोग लगती है। ठीक है, क्लीयर है बेटे? फिर लास्ट पॉइंट देना है सारंश, कि हमेशा इस कहावत का भाव यह है कि झूठा आदमी सब तो ज़्यादा ही अपने झूठ नूं छुपाने लई ज़्यादा बोलता है, अजे व्यक्ति तो दूर रहिए, क्योंकि थोथा चना बाजे कणा। ये लास्ट पॉइंट आना है, हमेशा सच दे राह ते चलीए, सोच समझ के बोलीए, मिठा बोलीए, निम्रता नाल बोलीए, साडे बोले हुए बोल किसी का दिल ना दुखाण। ठीक है, भले लोगों नाल, महान लोगों नाल, पढ़े लिखे लोगों के नाल विचार वटांदरा करिए, दूसरों के चंगे गुणों नूं अपनाउण दी कोशिश करिए, अपने आप नूं ही अपने हंकार विच ही गलत ना बोलिए, सच्चे मार्ग चलदिआं उस्तत करे जहान। एंड ते उही कोटेशन देनी है जो सारिआं च, कि सच दे मार्ग ते चलिए फिर सारे संसार वल्लों उस्तत मिलदी है, वडियाई मिलदी है। जिहड़ा इंसान सच्चा है, चंगा बोलदा है, लोगों नूं सही रस्ते ते पाउंदा है, गुमराह नहीं करता, उसकी सारे सिफत करते हैं, उन्होंने अपना पैरोकार मनते हैं। क्लीयर है बेटे? यह लेख हो गया, हूँ नैक्सट करो। नैक्सट
मिठत नीवी नानका गुंज गईया तत् लेख तुसी अपने आप वह भी थोड़े तो बिल्कुल ये मिलता जुलता सिमल दे रुख की उदाहरण देनी है। पहला इंट्रोडक्शन पैरा मांझी ते जगजीत मिठत नीवी नानका गुंज गईया तत् और नान दुखिया सत संसार एक चुप सौ सुख का सेम है कि मैं अगे भी तुम्हें करवाया होया कि इस सृष्टि से परमात्मा ने मनुख नू एक अनमोल जीवन दिता है। मनुख सब तो सारे श्रेष्ठा तो श्रेष्ठ जीव है पर मनुख इस दुनिया में आके अपने असल मकसद तो भटक गया, असल मकसद नहीं भुल गया। फ्री जी का श्लोक है ना, चार गवाया हंड के चार गवाया सम लेखा रब मंगेसिया तो आयो केड़े काम। उन्हों पता ही नहीं कि मैं किड़े काम करने आया कि किड़े काम करके जाने हैं। अजी भज दौड़ दे विच उसके अंदर निम्रता नहीं रही, उस हंकार आ गया। यह मिठास से निम्रता वाली लाइन दे देनी है, मिठास से निम्रता जो कि सब तो चंगा गुण है। फिर उस तो बाद हंकार की है, हंकार दे लई उदाहरण की दिती है सिमल दे रुख दी, ठीक है। फिर मिठास से निम्रता महान गुण है, यह पॉइंट अगला आना है। फिर दिखावे की निम्रता किसे काम की नहीं, उत्थे शिकारी वाली उदाहरण देनी है, ठीक है, क्लियर है। फिर उस तो बाद है कि हर एक महापुरशां की संगत करनी है। जे इतिहास वाल झात मारीे गुरबाणी वाल झात मारीे अपने सिख इतिहास वाल झात मारीे तो गुरु साहबान तो सानू प्रेरणा मिलती है कि वह किन्ने निम्र होके सेवा भावना में लगे रहे हैं, ता कि जाके उन्होंने अजे रुतबे हासिल होए ने जेडे कि दुनिया हूँ हजे भी उन्होंने उन्होंने याद करती है और रही दुनिया तक अजे गुरु साहबान साढ़े महापुरख सानू राह दर्शाते रहेंगे। जिन्हें देख लो बाबा दीप सिंह जी है, गुरु रामदास जी है, गुरु अमरदास जी हैं, भाई कन्हैया जी हैं, जेडे कि वैर रोह तो उपर उठ के सेवा भावना च लगे रहे हैं। और अपने समाजिक दायरे विच देख लो मदर टेरेसा होए ने, ठीक है, भगत पूरन सिंह जी होए ने, यह सब निम्रता दियाँ उदाहरण हैं, क्लीयर है। फिर लास्ट से उही है सच का मार्ग अपनाना है। मिठास से निम्रता वाला लेख भी हो गया बेटे, क्लियर। हुण है मन जिते जगजीत, मन जिते जगजीत भी गुरबाणी की तुक है, गुरु नानक देव जी की रची हुई तुक है, जपजी साहिब की पौड़ी है, जिसका भाव है कि जिसने मन नू जित लिया उसने संसार से जित हासिल कर ली। एक अटल सच्चाई बयान की, पहला इंट्रोडक्शन पैरा सेम देना है जो मैं तुहानू दस्या कि इंसान सब तो श्रेष्ठ जीव है पर वह इस संसार में आके अपने मकसद को भूल गया, उसका मन पर काबू ही नहीं रहा क्योंकि तृष्णावां के घेरे में आ गया, लालसावां वध गई, वो लालसावां के चक्कर में उसका मन पर कंट्रोल नहीं किया, मन की मर्जी अनुसार वो कुराहे रस्ते भटकता रहा, पैसे की दौड़ भज में, दुनियावी पदार्थों की दौड़ भज में अपने असली मकसद को भूल गया। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, मन तो एक परमात्मा की जोत है, इंसान अपना मूल पछाणना चाहिए है पर वो मूल पछाण ही नहीं पाया क्योंकि तृष्णावां इच्छावां, मन चंचल है एक घोड़े की तरह, उन्होंने जिधर दौड़ाओ दौड़ी जाता है। एक सूखम चीज है, अदृष्ट वस्तु है जिहड़ी कि दिखाई नहीं देती। इत्थे हैडिंग देना ना मन की है, पहला इंट्रोडक्शन पहला जान पछाण, फिर मन की है, फिर मन की चंचलता, फिर मन का भटकना, नोट कर लो पॉइंट्स, मन का भटकना, फिर है मन नू काबू किवें किया जाए, किवें जितया जाए। मन नू जितना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है, ठीक है। इस दे लई तां साडे महापुरख साडे तपस्वी सन्यासी लोग होर तपस्या साधे रहे ने, शरीर नू कष्ट दिंदे रहे हन, ये पॉइंट्स देने हन। पर गुरबाणी साड़ी कहती है ग्रहस्थ विच रह के दुनिया विच रह के दुनिया तो निर्लेप होके जीवना ही मन नू काबू करना है। हुण मन नू काबू करने की करना, सब तो पहला स्टैप तृष्णावां दा त्याग करना है। जिहड़ियां तृष्णावां ने इंसान दीयां इच्छावां ने ना वह दिन प्रतिदिन वधदियां जांदे, एक इच्छा पूरी हुई दूसरी वल उसकी भावना उत्तेजित हो जाती है। पर सही शब्दों विच मनुख नू सही इंसान बनने लई चंगा इंसान बनने लई मन नू काबू करना पेगा, तृष्णावां रह जीवन जीना पेगा। तृष्णावां रह जीवन जीवन का मतलब यह नहीं कि रोजी रोटी कमानी भुल जाओ, हाँ अपनी परिवार का निर्वाह करने लई परिवार नू पालन लई जिन्नी सच्ची सुची किरत जो सानू गुरु नानक देव जी ने कहा किरत करो नाम जपो वंड छको
उस विचार नूं लैके उस उपदेश नूं लैके जिंदगी विच विचरना है। क्लियर है? हिंसा दे नाल मन जित्या नहीं जा सकता। अगला पॉइंट है हिंसा मीन्स लड़ाई झगड़े हंकार नाल जित्या होया मन जित्या नहीं कह सकते। जिवें तुसीं देख लो रावण नूं आपां के बुराई का प्रतीक मानते हैं तो राम जी नूं नेकी का प्रतीक मानते हैं। ठीक है, क्लीयर है? होर भी द्वापर युग में देख लो कौरवों पांडवों में देख लो कुरुक्षेत्र युद्ध होया। इस तरह कलयुग दे विच कलयुग दे विच गोरियां गजनवियां अब्दाली जिहड़े भी इस जिहड़े भी इस देश से चढ़ के आए बुरी सोच दे नाल हमला करन दी सोच दे नाल सबनों हार दा मूँह देखना पिया जिया करके लड़ाई झगड़े करके मार पटापा करके खून खराबा करके वह मन नहीं जित सके। क्लीयर है? फिर लास्ट पॉइंट है मुश्किलों तो कभी घबराना नहीं चाहिए। यह निम्रता तो मिठास विच भी आ जाना, यह दुख सुख विच भी आ जाना, नान दुखे सब संसार विच भी कभी मुश्किलों तो घबराओ ना, क्योंकि मुश्किलों के विचों निकल के ही संघर्ष के विचों निकल के ही इंसान जिंदगी विच चंगा इंसान साबित हुंदा है, रहिंदी दुनिया तक उसका नाम आता है। जिन्या मर्जी तुसी इतिहास विच उदाहरण लै लो, रविंद्रनाथ टैगोर की लै लो और अंबेडकर की लै लो, जिन्हें महापुरशों की तुसी उदाहरण लै सकते हो सारे ही संघर्ष करते रहे ने। जिन्हें सच्चे देश भगत हुए ने सारे संघर्ष विचों निकल के ही अपने मकसद विच अपने सुपनों नूं साकार कर सके हन। इस करके कभी भी मुश्किलों तो ना घबराओ, क्योंकि मुश्किलों तो जिंदगी नूं जीउण दा उत्साह पैदा कर दियां ने, सुखां वल प्रेरित कर दियां ने सानू। क्लीयर है बेटे? फिर सारांश है, सारांश की है, जदों असीं अपने मन ते काबू कर लेंगे, तृष्णावां दा त्याग कर देंगे, निम्रता धारण कर लवेंगे, हंकार का खात्मा होएगा, तो अजिहा मन जितन योग मन है। जदों मन ते जित मन नूं जित लिया संसार नूं जित हासिल कर ली, अजे इंसान दुनिया विच पुजन योग हस्ती हासिल कर लेंदे हन। हो गया बेटे क्लीयर? नानक दुखिया सब संसार भी कर लोगे लेख, क्यों भी एक बार बोलते हैं कि दुख सुख तो जीवन दे दुख सुख जीवन दे अटुट अंग हन। पहला इंट्रोडक्शन पैरा सेम, फिर दुखों का मूल कारण, फिर दुख सुख नूं बराबर करके जानो, दुखां तों कदे घबराओ ना, भले पुरशां दी संगत करो। ठीक है, क्लीयर है बेटे? फिर नाम ही आधार है, दुखां दा दारू की है नाम, दुख दारू सुख रोग पिया भी गुरबाणी तक जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख स्नेहर भैने जाके कंचर माटी माने। क्लीयर है बेटे? दुख सुख नूं बराबर करके जानो। नैक्सट है बेटे जेडे आम लेख ने उन्होंने मात भाषा है माँ बोली, माँ बोली के लिए तुम कोटेशन लिखनिया ने, यहो जी मनोहर मिठी होर कोई बोली नहीं डिठी। ठीक है, उस तो बाद है कि भाषा कौमां का विरसा होंदिया, हर कोई इंसान भाषा तो ही पहचाने जाता है, गलबात तो ही पहचाने जाता है। नैक्सट है मात भाषा का महत्व की है, मात भाषा वो भाषा होंदी है जड़ा कि इंसान अपने बचपन विच ही माँ कोलों सिखदा है। फिर मात भाषा हाव भावां नूं प्रगटाउण दा साधन है, फिर मात भाषा नूं जीवत रखण दी लोड़ है, होर भाषावां नूं सीखना जरूरी है। क्लीयर? फिर लास्ट है मात भाषा दे नाल प्यार करना उहनूं जीवत रखण दे लई सुझा की ने। ठीक है, यतन करना चाहिए है, दूसरिया भाषावां सीखो माड़ी गल नहीं है, पर अपनी माँ बोली नूं दूर अंदाज नहीं करना चाहिए। ये तुहाड़ी कविता है, मैं पंजाबी पंजाब का रहन वाला, उहदा एक्सप्लेनेशन तुसीं सारा कर लो, वह लेख ही है। फिर हुण गल करिए समय की कदर लेख, समय की कदर लेख भी तुहाड़ी समा कविता है, उहनूं एक्सप्लेन करो। समा कविता दे विच जिहड़ियां पहलियां लाइनां ने वह इंट्रोडक्शन पैरा आ जाणा, रही वास्ते घट समय ने इक ना मन्नी, फटफट रही तरीक समय खिसकाई करनी, ये इंट्रोडक्शन पैरा कि बीतिया समा कभी हाथ नहीं आता, समा निरंतर गतिशील है, सानू समय के नाल चलना पैना है। ठीक है, फिर भारत लोगों के लिए भारतीय लोगों के लिए समा नू खुंझा देना एक रुझेवे की निशानी है, साड़िया आदत ही असं अजियां बना लिया,
फिर समा ते कुदरत, जे असी कुदरत वल झात मारीए तां सारा कुदरत भी समय दी बत्ता दे विच बज्जी होई है। ठीक है, सूरज समय से छिप जांदा है। फिर आपां समाजिक दायरे वल झात मारीए तां जेकर स्कूलां दे खुलण दा, दफ्तरां दे खुलण, बैंकां दे खुलण दा, सरकारी अदारियां दे खुलण दा समा निश्चित ना ना होए तां की हलचल ही मच जाए। रेल गड्डियां दे चलण दा समा निश्चित ना ना होए तां की हो जाए। ठीक है, क्लियर है बेटे? समय दी कदर चंगा गुण, जिहड़े समय दी कदर करदे हन ओह जिंदगी विच अपने जीवन विच सफल हुंदे हन। जिहड़े समय दे कदर नहीं करदे ओह हथ मलदे ही रह जांदे हन। विद्यार्थी जीवन विच समय दी कदर, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਦੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਰੂਟੀਨ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵਖਤੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਸੋਗਣਾ, ਜਾਗਣਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੇੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਡੱਟ ਕੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਹੋਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਚੱਕੜ ਹੋਵੇ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਡੱਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤਿਆ ਸਮਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਘੜੀ ਦਾ ਕੁੱਥਾ ਸੋ ਕੋਹ 'ਤੇ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼, ਕਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਐਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਲਿਆ? ਹੋ ਸੰਭਲ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਕਰ ਸਫਲ ਉੜਨ ਦਾ ਚਾਂਬਦਾ, ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਜਾਚ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੰਘਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ? ਬੋਲੋ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੇਖ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਢ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੁੱਗ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ, ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੀਨਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਔਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਸੁਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੁਵਰਤੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਾਪ ਹੈ। ਸੇਮ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਔਗਣ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਦੱਸਣੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਇਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬੱਚੇ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗਰਾਮਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਗਰਾਮਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਰਾਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਈਏ। ਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਿਰਿਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਾਲ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਅਕਰਮਕ, ਸਕਰਮਕ, ਪੂਰਨ, ਅਪੂਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖੋ, ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪੂਰਨ ਅਕਰਮਕ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਲਓ ਬੇਟੇ। ਲੜਕੇ ਨੱਚਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਵਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਹੈ ਪਰ ਵਾਕ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਪੂਰਨ। ਹੁਣ ਸਕਰਮਕ ਦੀ ਪੂਰਨ, ਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਲੀ
पौधे लगाता है, लगा रहा ज लगा सेम, ठीक है। इनू अंडरलाइन करना है, इनू देख के माली करता है, पौधे कर्म है ते पूर्ण सकर्मक, सकर्मक ते पूर्ण सकर्मक सेम, अकर्मक ते पूर्ण अकर्मक सेम, पर अपूर्ण की होएगा, अपूर्ण है माली ने पौद्या नू दित्ता की दित्ता, सेंटेंस की कोई मीनिंग नहीं निकलिया। मां ने बच्चों नू बनाया, की बनाया, ठीक है, क्लियर है बेटे। जो वाक सार्थक ना बने अपूर्ण, एक पाठ हो गया क्रिया का। एक क्रिया दी जड़ियां मुख किस्मां ने अकर्मक ते सकर्मक। हुण आपां गल करिए तीन जड़ियां होर किस्मां ने, और रूप ते किस्मां सेम थिंग, जो तुहानूं कन्फ्यूजन सी। वैसे भी ऑप्शन दे विच ध्यान नाल, एक पहले ध्यान नाल समझ लो कि जो ऑप्शन वाले सारे क्वेश्चन आने हैं, रीडिंग स्किल, अनसीन पैसेज, उहदे विच ऑप्शन दे नाल उड़ा जिहड़ा ईडी करैक्ट ऑप्शन लिख के नाल आंसर भी लिख देना, ठीक है। जिवें फर्स्ट क्वेश्चन है अनडिठा पैरा, उहदा नंबर वन है अनडिठा पैरा, उहदे विच पंज क्वेश्चन आने हन, जिवें ऐड़ा ऑप्शन, सैकेंड दी उड़ा ऑप्शन, थर्ड ईडी ऑप्शन, इस तरह आंसर लिख के नाल आंसर लिखना है, लिख दो अपनी सैटिस्फेक्शन लिए, क्लीयर। फिर सैकेंड क्वेश्चन है अनडिठी काव टुकड़ी, हैडिंग दे के, फिर सैकेंड पार्ट की है, फर्स्ट पार्ट रीडिंग स्किल, सैकेंड पार्ट ग्रामर, ग्रामर के किन्ने क्वेश्चन होंगे, किन्ने क्वेश्चन होंगे, 16 क्वेश्चन, हरेक पार्ट के चार क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट शुद्ध करो, सैकेंड पार्ट विरोधी शब्द, थर्ड पार्ट यस क्रिया, फोर्थ पार्ट मुहावरे, ठीक है। ऑप्शन चार चार क्वेश्चन, करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है, करेक्ट ऑप्शन चूज करके उहदे नाल आंसर लिखना है। फिर आने हन तुहाडी पाठ पुस्तक, पाठ पुस्तक दे विच पहले 10 क्वेश्चन ऑप्शन नाल नहीं आने, एक जां दो शब्दां च आंसर देना, पूरा पूरा सेंटेंस च आंसर देने की जरूरत नहीं है। सैकेंड पार्ट होएगा पोएट्री का, उहदे विच पैरा दिता होएगा तुहाडी बुक चों, उहदे अकॉर्डिंग वो विकल्पी प्रश्न करने हैं, वो भी ऑप्शन, वो विकल्पी किहनूं कहिंदे ने, जिहड़े ऑप्शन वाले। उस तो बाद 20-25 शब्दों वाले क्वेश्चन किदे चो आने हैं, कविता चो, कहानी चो, सॉरी कहानी चो नहीं आने हैं, कविता वार्ता ते जीवनी चो, कहानी ते एकांगी चो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन नहीं आने, कहानी ते जीवनी चो वड्डे क्वेश्चन भी आने ते एकांगी दे वड्डे क्वेश्चन आने हैं, ते 1 मार्क क्वेश्चन सारियां चो आने हैं, वड्डे क्वेश्चन आने हैं 12 मार्क्स से 12 नंबर के, ठीक है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन करने हैं तुसी अटैम्प, और सारे क्वेश्चन करने जरूरी हैं, क्लीयर है बेटे, सबनों क्लीयर हो गया बच्चे। हुण आपां गल करिए अगलिया किस्मां दी, संसर्गी क्रिया। संसर्गी क्रिया की पहचान है, कोई क्रिया नहीं हो रही, क्वेश्चन पुट करके वो की है, वो की सी, ठीक है। मैं ईमानदार हाँ, हाँ ये क्रिया नहीं हो रही, ये सब क्लीयर हो जाएगा। संसर्गी क्रिया सहायक क्रिया का रूप है, कितों पता चलेगा, सकदा जा चाहिदा, भावें वह कर्मक है सकर्मक है, वह बॉदर नहीं करना, जिस वाक विच सकदा ते चाहिदा आ गया उन्हों कर्मक सकर्मक चूज नहीं करना, उन्हों की चूज करना है, सहायक क्रिया। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ सकता हाँ, देखो मैं करता है, पढ़ना क्रिया है, पर इहदे विच सकदा है आ गया तां किहड़ी क्रिया, सहायक। अगे है सानूं पढ़ना चाहिदा है, सानूं करता है, ठीक है, पढ़ना चाहिदा है, सहायक क्रिया। हुण गल करिए मुख क्रिया, मुख क्रिया तां सारिआं च सेम ही हुंदी आ, उह सहायक क्रिया तों बिना भी है, सहायक क्रिया दे नाल भी है। सानूं समें दी संभाल करनी चाहीदी है, हुण संभाल की आ गया मुख क्रिया, चाहीदी की आ गया सहायक क्रिया। इहनूं भावें तुसीं सहायक क्रिया लिख दो, भावें मुख क्रिया कर, क्योंकि मुख क्रिया सहायक क्रिया दे नाल भी हुंदी है ते सहायक क्रिया तों बिना भी हुंदी है, क्लीयर है बेटे। हाँ जी बच्चे,
ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉੜੇ ਤੋਂ ਹਾਹੇ ਤੱਕ ਹਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ।